चलिए समझते हैं रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर रैशनल नंबर क्या है, -7/3। तो एक सेकंड के लिए आप इसको हटाइए माइनस को, तो ये कैसा बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/1/3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये पता चल जाएगा -7/3 किन दो रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करेगा, किसके किसके बीच में लाई करेगा, -2 and -3। ठीक है, यानी कि इस जगह पे ये लाई करेगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 3, तो हमको हर यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 1, 2 और ये 3, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2 और ये 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, -7 स्टेप यहाँ से 0 से चलना है। चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -7/3, सर हम रिप्रेजेंट कर देंगे।